एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि एंड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। साथ ही साथ अभी मैं यूनिकॉर्न हीलर भी हूँ। सो ये बात मैंने एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट पर ऐड किया था, पोस्ट किया था आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम नेविल गोडार्ड की जो टेक्निक है डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे फेमस टेक्निक बोला जाएगा, जो कि खुद मैंने भी प्रैक्टिस की है, जो कि मुझे इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इस किस तरीके से इस जो मैनिफेस्टेशन है, इस ये जो टेक्निक है, उस टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगी और कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो पहली चीज़, ये जो टेक्निक है ये आपको रात को सोने से पहले करनी है, ठीक है। इस टेक्निक को हम लैडर टेक्निक बोलेंगे, है ना। एकदम फेमस टेक्निक है ना जो मैं बता रही हूँ। तो ये आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं और मैं भी आपको बता रही हूँ आपके इजी हो जाने के लिए आपके लिए। तो आप रात को सोने से पहले कुछ दिनों तक, ठीक है, ऐसे में तो 3 दिन बोला गया है, लेकिन 3 दिन तक ना करके आप थोड़े दिन तक और ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मे बी फॉर 7 डेज लैडर टेक्निक। यानी कि आपको रात को सोने से पहले, आप बेड पर जब लेट जाएंगे उस समय आपको अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। अपने ब्रीदिंग से अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपने थॉट्स को कम कर देना है और उसके बाद आप अपने आप को देखेंगे कि आप लैडर में चढ़ रहे हैं, ठीक है, लैडर में चढ़ रहे हैं, लैडर क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैडर टेक्निक जो है, इसमें आप इमेजिन करेंगे कि आप लैडर में चढ़ रहे हैं। तो एक आप खुद के इमेजिन से आप एक लैडर को अपने सामने रखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि आप खुद चढ़ रहे हैं लैडर में, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे हम लैडर में चढ़ते हैं, जो हमारे विजुअलाइजेशन होती है, जो हमारे इमेजिनेशन होती है, उससे ऐड करो जैसे कि आप खुद चढ़ रहे हैं। तो लैडर को अपने जो है ना लेफ्ट हैंड से पकड़िए, फिर राइट पैर रखिए, फिर राइट हैंड को रखिए, फिर अपने लेफ्ट पैर को ऊपर रखिए। इस तरीके से ऊपर चढ़ते जाना है आपको, अपने लैडर पे ऊपर चढ़ते जाना है, वापस से नीचे आना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस को लेट कर करना है, तो इसमें आप सो नहीं जाइएगा, आपको ऊपर जाना है, टॉप तक जाना है, वापस से नीचे आना है, वापस से ऊपर जाना है, वापस से नीचे आना है, ऐसे 2 से 3 बार करना है, फिर आपको सो जाना है। ये चीज आपको डेली करनी है, यानी कि इसमें टेक्निक में एक्चुअली 3 डेज बोला गया है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप 7 डेज तक करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर उसके पहले ही आपकी लैडर चढ़ने की जो टेक्निक है ये मैनिफेस्ट हो जाती है तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज, ये चीज आपको रात को करनी है विजुअलाइजेशन, लेकिन आप प्रिपरेशन पहले से करके रख देंगे। जो छोटे छोटे पोस्टर्स होते हैं ना, नोट्स होते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा सकते हैं या जहां पर भी आपके आपका ध्यान जाए, आप अपने ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं या जहां पर भी आपकी फोकस ज्यादा जाती है, आपका ध्यान ज्यादा जाता है, वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स बनाकर रखने हैं कि आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, I will not climb the ladder, या मैं ladder नहीं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी, मैं ladder climb नहीं करूंगा या करूंगी। तो इसी तरीके से पोस्ट बना के रखिएगा, नोटेड पोस्टर्स बना के रखिएगा कि आप उस पर नोट लिखेंगे, ताकि पूरे दिन में आपके माइंड में ये चलता रहे, वो एफर्मेशन को देख के, वो सेंटेंस को देख के, दैट आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर। और आप रात को जब सोएंगे तब विजुअलाइज करेंगे कि आप जो है लैडर को क्लाइंब कर रहे हैं, आप लैडर पर चढ़ रहे हैं, आप ऊपर स्टेप कर रहे हैं लैडर के, ठीक है। इसी प्रैक्टिस को आपको डेली 7 डेज तक करना है। 3 डेज करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके सामने बार बार लैडर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको लैडर क्लाइंब करने का सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गया है। तो इसी तरीके से रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, लेकिन ध्यान से 3 दिन कंसेक्यूटिव डेज आपको करना है, 3 दिन लगातार आपको करना है, मे बी 3 डेज, लेकिन मैं बोलूंगी 7 डेज। 7 डेज तक आते आते अगर आपको तभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कुछ दिन और प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है, जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लैडर को क्लाइंब नहीं करेंगे रियलिटी में, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर पाएंगे, जो कि है हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। क्योंकि इसी टेक्निक के द्वारा आप अपने डिजायर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ये टेक्निक है कि आपको रात को सोते समय विजुअलाइज करना है कि आप लैडर को क्लाइंब कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूरे दिन रहते हैं तो आप देखते हैं कि आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर। यानी कि क्या है ये सारी चीजें, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, ये वो है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं और उसी समय हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं हमारे लैडर टेक्निक से, तब आप देखेंगे कि भले ही मैंने पूरे दिन वो नोट्स को रीड किया है कि मैं लैडर को क्लाइंब नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आ जा रही हैं जहां पर आपको लैडर को क्लाइंब करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपकी बिलीफ को बढ़ाने के लिए, आपको लैडर को क्लाइंब करना है, ठीक है, विजुअलाइजेशन में भी। और जब 7 days होने के बाद जब आप देखेंगे कि आप लैडर क्लाइंब कर चुके हैं, उस समय आपकी बिलीव बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही बिलीव बढ़ी, आप फिर दूसरे स्टेप पर आ सकते हैं। दूसरा स्टेप यानी क्या, लैडर टेक्निक तो हो गया, आपकी बिलीव तो बढ़ गई, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें हमारे डिजायर्स के ऊपर काम करना है। अब जैसे ही आपकी ये बिलीव बैठ जाती है, आप सिमिलर वे में अपने डिजायर्स को विजुअलाइज करेंगे रात को सोने से पहले, चाहे वो कोई भी चीज हो। आपको कॉल मैनिफेस्ट करना है किसी के साथ, किसी से बात करनी है आपको। सेकंड, आप अपने मार्क्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी डिजायर है, आपको रात को सोने से पहले सेम इसी तरीके से सोचना है। लैडर का इसीलिए बोला गया है क्योंकि आपकी जो विजुअलाइजेशन आप जब करेंगे और पूरा दिन आपके सामने वो पोस्ट आएंगे, ठीक है, पोस्ट आएंगे कि आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, फिर भी आप जब एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद जब आप लैडर को क्लाइंब कर लेंगे, आपकी जो बिलीव है वो बढ़ जाएंगी। और जैसे ही आपने रियलिटी में अपने लैडर को क्लाइंब कर लिया है, फिर आप अपने डिजायर्स के ऊपर ये टेक्निक को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो यही है आज की टेक्निक जो मैं आपको सिखाना चाहती थी या बताना चाहती थी। लेकिन प्लीज पहले लैडर को क्लाइंब करना, ठीक है, ताकि आपकी बिलीव बढ़े। क्योंकि जब हमारी बिलीव बढ़ जाएगी, फिर हमें ऐसा लगेगा कि लैडर, देखो लैडर जो है ना, इसमें हम आसानी से लेट गो भी कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं बार बार, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी हम नेगेटिव थॉट्स के लिए, यानी नेगेटिव थॉट्स भी नहीं बोला जाएगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि मुझे वो लैडर क्लाइंब नहीं करना है, उसके लिए आप वो पोस्टर्स रखेंगे या वॉलपेपर रखेंगे। आई होप आप ये टेक्निक को समझ चुके हैं, एंड प्लीज इसे जब करेंगे, डेली इसे करना प्रैक्टिस, जब तक आप लैडर को क्लाइंब नहीं करते हो। जैसे आपने लैडर को क्लाइंब कर लिया है, फिर आप अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, अपने डिजायर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मे बी आप जो है ना, ये एक्चुअली हाइट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाइट के टाइम पे भी आप कि यही डाउट्स आते हैं कि मैं पूरे दिन यही सोचता हूँ या किसी और को देख के मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। लेकिन जब आप रात को सोने से पहले इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, तो आप आसानी से अपने हाइट को मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला लैडर को, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास वर्कशॉप्स लेनी है, रेकी सीखना है मेरे से, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं अपडेट्स वहाँ पर देती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।